दमोह जिला मुख्यालय के स्थानीय तहसील मैदान में वृंदावन वासी गोरेलाल निकुंज आश्रम के परम पूज्य श्री श्री 108 महंत श्री स्वामी किशोरदास देवजू के मुखारविंद से भक्तमाल कथा का प्रारंभ बुधवार 4 जनवरी को हुआ। दोपहर महंत जी के आगमन के साथ ही भक्तमाल कथा की शुरुआत हुई। गर्म कपड़े, गुड़ लड्डू एवं खिलौनों का वितरण किया गया। इसके पश्चात यजमान सौरभ वर्षा संदेश श्वेता असाटी और श्रद्धालुओं ने महंत जी की आरती की। परम पूज्य महंत जी प्रवचन के दौरान उन्होंने अपनी बात कही और कहा कि हमारे बस में होता तो कुछ भी कर सकते थे। भगवान अपनी कृपा के द्वारा जीव को केवल एक निमित्त बनाते हैं, वस्तुतः वह अंतर्यामी होकर के जीव के हृदय में विराजित होकर विराजमान होकर के आपकी कर्ता के रूप में जीव को निमित्त बना कर के शुभ कर्तारी जीव के द्वारा संभव करा के नित्य कर्म कराते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति रही। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज। जीवों को हमने कैसे आप तक भेजा है, ये महामंत्र यदि आपको सुनना है तो पहले शिष्यत्व को स्वीकार करो। श्री रंगनाथ महाप्रभु ने कहा ठीक है भाई, हम तुम्हारे चेला बन जाएंगे। ये है संत और भगवंत का संबंध, ध्यान दें। ठाकुर जी ने क्या कहा, हम शिष्य बन जाएंगे, तो बोले वो सिंहासन। समय कितना हो? वृंदावन ठाकुर जी के चरणों तक भेजने का कार्य हमारे आचार्य गुरुजन जी का। जिस नारायण नाम के ऊपर लाखों जीवों को श्री ठाकुर जी का आसिक प्रेमी रसिक बना दिया है, वही नाम भगवान का नाम भगवान के कर्ण रंध के माध्यम से श्री ठाकुर जी को प्रदान कर दिया और कहा चेला जी कैसे नहीं बनाते हैं, यही नाम सुनाते हैं। ठाकुर जी ने हंस करके कहा ये तो हमारा नाम है, अब भाई आपका नाम हो या जिसका नाम हो, हम तो श्री भगवान श्री रंगनाथ ने कहा, भगवान श्री रंगनाथ ने पूछा, किससे पूछा, आचार्य से पूछा, प्रभु हे आचार्य चरण इतने ना हमारी गति है और ना हमारी मति है, इन आचार्यों की कृपा मोहर यहां प्राप्त होगी लगेगी जैसे कोई बड़ा भारी अधिकारी जब कोई अपना फरमान फार्मूला अदा करता है, पेश किया जाता है, लेकिन जब तक उसके ऊपर उसके हस्ताक्षर नहीं होते हैं, मोहर नहीं लगी होती, तो अमान्य होता है, वो मान्य नहीं होता है तब तक जब तक हस्ताक्षर ना हो। लेकिन जब वही अधिकारी अपने हस्ताक्षर प्रमाणित कर देता है, कल दास निवेदन करेगा इसके संबंध में। और आचार्यों की कृपा मोहर जीव को प्राप्त हो जाती है, तो श्री ठाकुर जी कहते अब ये मेरा हो गया, किसके नाते हो गया, मेरे आचार्यों के नाते, मेरे आचार्य गुरुजन संत चरण ने जिसकी बाहों को पकड़ा है, भगवान कहते हैं सदा हम उसको अपने हृदय में विराजमान।